सो पहाड़ों की तारीफ जितनी मैं करूं उतनी कम है। सुंदर पेड़, चहचहाते पक्षी, झरनों की सरगम मन को बहुत आकर्षित करती है। जितना भी मैं दूर चला जाऊं पहाड़ों से, पहाड़ों की खूबसूरती मुझे उतना ही आकर्षित करती है। सो वेल दोस्तों, आ चुके एक और नए वीडियो के साथ वापस से। तो आज की इस वाली वीडियो में हम एक ऐसे हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि मैंने इंटरनेट से ढूंढा है, और आपको भी इस वीडियो में बहुत सारा मजा आएगा एंड बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई लोगों, इसकी जो है डीजल इसमें खत्म हो चुका है, तो इसका डीजल भी डलवाएंगे। बेचारी दो दिन से ऐसे ही चल रही है। सो और अभी चलते हैं अपन। मैंने गूगल मैप पे चेक किया कि भाई कौन कौन सी अच्छी जगह है, तो मुझे एक हिडन प्लेस मिला है। सो वहाँ पर चलते हैं, एंजॉय करते हैं सनसेट को। और सनराइज़ तो भाई किस्मत में पता नहीं कब आएगा, और सनसेट को एंजॉय करते हैं एंड मिलते हैं आपको डायरेक्ट उसी लोकेशन पर। मोटर व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं करने वाला मैं, क्योंकि मोटर व्लॉग करने के लिए हमारे पास गोप्रो नहीं है। सो हे गाइस, तो कुछ इस तरह की लोकेशन पर अभी हम है। ये देखो भाई, पूरा माउंटेन एरिया है, काफ़ी सही लग रहा है यहाँ से। वो बहुत सही है, वो अपनी गाड़ी है, एक शॉट लेता है यहाँ से, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, तो देखना अभी तो और मस्त व्यू दिखाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे अपनी यूट्यूब फैमिली, सो आ चुके हैं अपन अपनी ड्रीम प्लेस पर, और इसी में जगह ढूंढता हूँ। कुछ इस तरह की लोकेशन है भाई साहब अपनी, चेक करो भाई। सही, पीछे भगवान जी भी है, पता नहीं कौन से भगवान जी है, कौन सी माता जी है। ठीक है, सो गाइस यहाँ से प्रॉपर सनसेट को एंजॉय करते हैं। बाकी काफ़ी सही लग रहा है यहाँ से, और ऐसी जगह तो मैं ढूंढता हूँ भाई साहब। देख रहे हो भाई, पंखुड़ी देख रहे हो, और हेयर इज़ अ भगवान जी, भगवान जी को मेरा प्रणाम। और वो जो आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ से हम यहाँ से आए, और गाड़ी को ऊपर चढ़ाया मैंने पहाड़ पर, और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पता नहीं क्यों। तो भाई बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पर, और कुछ भी मतलब पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हाँ हाँ, अब देखो वहाँ पर घर वगैरह है उस वाले हिल पत्थर वगैरह, और तो काफ़ी सही लग रहा। इस वाले लोकेशन को मैंने गूगल मैप पे ढूंढा था, और ये काफ़ी सही है। बट ये है कि अगर आप ऐसे भी कहीं रास्तों पर जाते हो तो ध्यान रखा करो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे एरिया में बाइक वगैरह की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी वाले वहाँ पर जाए, या तो फिर अपने ग्रुप बना कर जाए। ठीक है, तो यही अपने ड्रीमी प्लेस, ऐसी एरियाज को मैं ढूंढ कर देता हूँ जहाँ पर मैं शूट कर पाऊँ, अच्छे से इंजॉय कर पाएँ सनसेट सनराइज़ को। अभी सनराइज़ तो नहीं हो रहा है, सनसेट हो रहा है, चेक करो। जस्ट मतलब सोच कर देखो, अगर यहाँ पर बारिश आ जाए तो कितना ही मज़ा आ जाएगा, मतलब चार चांद लग जाए। बट बारिश ऐसी नहीं, मूसलाधार बारिश में भयंकर पूरा भीग जाए। और देखो भाई अपने उसकी आकृति देखो बादल की। अपनी सेल्फी स्टिक का ये वाला हिस्सा टूट गया नीचे का, अब काम चलाना पड़ेगा। सो भाई यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, वो काफ़ी खतरनाक आ रहा है। अमेजिंग व्यू फॉर गाइस। अब भाई यहाँ से भी जगह थी वे, मेरे को पता ही नहीं चला, भयंकर साला इधर से आते। अब यहाँ से व्यू काफ़ी गजब का आ रहा है। पहले देखो भाई, उसके बाद लाइक करना, पसंद नहीं आए तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। 1000 वेरी क्लोज, ओके। ये देखो भाई, फोगी वाले टाइम पर फोगी सा होता है ना, अपने पहर गिर रह गया हो,
भाई साहब वाइट 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 है पूरा। सो वेल दोस्तों, मोबाइल बहुत ज़्यादा हीटअप होने के कारण मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों अलग हो गई है, जिसमें से ऑडियो जो है वो सही से नहीं आ पा रही है, मतलब जहाँ पर ऑडियो होना चाहिए वहाँ पर ऑडियो नहीं आ रही है। सो इस वाले एरिया को जो है मैंने कट कर दिया है। सो स्किप मत करना, आगे भी बहुत सारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही प्यारे प्यारे व्यू के लिए मैं ट्रेवल करते रहता हूँ एंड आपको ऐसे हिडन प्लेसेस दिखाते रहता हूँ। सो ठीक है, फिर आप वीडियो को एंजॉय करो। 101% ये पूरा पानी है, अब मैं निकल लेता हूँ भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं क्योंकि हमें गीला नहीं होना है और हमारे पास फ़ोन भी है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। 101% वो पानी गिर रहा है, अब मुझे टाइम से निकल लेना है नहीं तो गीले गीले। थोड़ी सी देर वेट तो करते हैं भाई, ये चीज़ है क्या। उधर से भी कुछ ना कुछ तो कर रहे, अब मुझे निकल लेना चाहिए यार यहाँ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत आने वाला है। तुम देख सकते हो वाइट वाइट हो रखा है, इधर वाइट नहीं है, इधर पूरा क्लियर मौसम है, उधर तुम देख सकते हो पूरा वाइट हो रखा है। और उस वाली जगह पर तो भाई पानी मतलब गिर ही रहा है 101%, और वो इधर आए जा रहा है मेरी तरफ। आने वाला है ठीक है, तुम्हें पता ही है कि वेदर कैसा हो रखा है अपने गुजरात वगैरह में, भयंकर तूफान आ रखा है भाई, समुद्र वगैरह एकदम बोखला गए हैं। सो फटाफट से चलते हैं अपने डेविल को निकालते हैं, वायदा मैंने डेविल का फोटो नहीं लिया है। सो फटाफट से लेते हैं, निकलते हैं। और ये देखो पानी वानी गिर रखा है, और मुझे लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा पानी मिलने वाला है घर पर भी, तो फटाफट से अपन कवर कर लेते हैं। पानी तो भाई गिर रहा है, फटाफट चलते हैं घर पर।